जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। काशी कहिए या बनारस, या कहिए वाराणसी, या कहिए मोक्ष की नगरी, जहां से खुलता है मोक्ष का द्वार, वही सजता है बाबा विश्वनाथ का दरबार। जी हां दोस्तों, आपने ठीक समझा, मैं आज आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने वाराणसी लेकर जाने वाला हूं। वाराणसी यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए यह वीडियो आप अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना न भूले। तीन दिन भूल जाए अपने कारोबार को, अपने नौकरी को या अपने कॉलेज को, और चल पड़ो मेरे साथ मिलने बाबा काशी विश्वनाथ जी को। हर हर महादेव। वाराणसी में तीन रेलवे स्टेशन है, लेकिन वाराणसी जंक्शन प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वाराणसी जाने के लिए सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें चलती है। भारत के किसी भी कोने से आप आसानी से वाराणसी पहुंच सकते हो। हम अभी वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमें रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। अस्सी घाट के नजदीक बहुत सारे मठ आश्रम बने हैं, उनमें आपको 350 तक रूम किराए पर मिल जाती है। कुछ आश्रम और होटल में भी डॉर्मिटरी रूम बने हैं, उसमें प्रति बेड 250 में मिल जाता है। रेलवे के रिटायरिंग रूम में भी बेड मिल जाता है। अगर आपको मुफ्त में बनारस में रात गुजारनी है तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक ही काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट बनी है, उसमें आप मुफ्त में रात रुक सकते हैं। अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा मुफ्त में भोजन भी मिलता है। अगर आप बनारस के गंगा घाटों का आनंद उठाना चाहते हैं तो किसी भी गंगा घाट के नजदीक के होटल को प्राथमिकता दें। गंगा के नजदीक के होटल रूम का किराया 1000 रुपए से कम नहीं होता है। दोस्तों, मैंने आपकी रात रुकने की व्यवस्था कर दी है, आप अपने बजट अनुसार चयन कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाइए। वाराणसी यात्रा आसान बनाने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाकर अवश्य देखें। हर हर महादेव। सबसे पहले हम बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान करना जरूरी है। वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर कुल 84 घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित है। विश्वनाथ मंदिर से सबसे करीब दशाश्वमेध घाट है। हम पहले दशाश्वमेध घाट जाएंगे। हम अभी दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास 1000 साल पुराना है। इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था। दूसरी एक पौराणिक कथा अनुसार यज्ञ के दौरान 10 घड़ों की बलि दी गई थी, इसलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। इस पवित्र घाट पर हम गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। कहते हैं काशी में गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से मोक्ष मिल जाता है। इस घाट पर सुबह और शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन होता है, उसे देखने हम शाम को वापस इस घाट पर आएंगे। दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर की दूरी कुल 500 मीटर होगी। हम चलकर ही विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। काफी भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। सामने ही विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, दिख रहा है। इसमें से प्रवेश कर हम विश्वनाथ मंदिर की ओर जाएंगे। इसे विश्वनाथ गली कहते हैं। इस तंग गली से गुजरकर हम विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें लगी है। विश्वनाथ मंदिर के भीतर कैमरा, मोबाइल, घड़ी अलाउ नहीं है। यहाँ प्रसाद के दुकानों वालों ने ही प्राइवेट लॉकर बना रखे है। आप उसमें अपने मोबाइल कैमरा रख दीजिए। मंदिर प्रशासन का कोई भी ऑथोराइज्ड लॉकर नहीं है। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। काशी में हर स्थान पर सजग रहने की आवश्यकता है। हर जगह पर अच्छाई के साथ बुराई भी पलती है। जब आप यहाँ लॉकर में मोबाइल या बैग जमा करने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा यह बिल्कुल मुक्त है, लेकिन आपको प्रसाद महंगे दामों पर इनके ही दुकान से खरीदना पड़ेगा। प्रसाद की कीमत पहले ही तय कर ले। यहाँ नकली पंडितों की भरमार है, उनसे सावधान रहे। विश्वनाथ मंदिर में साधारण दिनों में भी दर्शन के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यह नकली पंडित आपको आधे घंटे में शीघ्र दर्शन कराने का झांसा देकर आपसे पैसे वसूलेंगे। इनके झांसे में आना नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है या शारीरिक रूप से आप घंटों लाइन में खड़े नहीं रह सकते तो आप VIP दर्शन का टिकट 300 रुपए में ऑनलाइन मंदिर प्रशासन की वेबसाइट श्रीकाशीविश्वनाथ.org पर जाकर खरीद सकते हैं। अभिषेक और आरती का टिकट भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मंगल आरती टिकट का मूल्य 350 रुपए और दूसरे आरती का टिकट मूल्य 180 रुपए है। VIP टिकट खरीदने पर नीलकंठ द्वार गेट नंबर 3 से आपको प्रवेश दिया जाएगा। हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुके हैं।
इस द्वार से हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। बाबा के गर्भगृह में आपको केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा। बाबा विश्वनाथ से नजरे हटने ना दे, जल्दी से बाबा को प्रणाम करे। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। इस द्वार से हम बाहर आएंगे। इस मंदिर में शिव और पार्वती एक साथ विराजते हैं, जो किसी दूसरे शिव मंदिर में नहीं होता, इसलिए वाराणसी को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और यहाँ नैनवापी नामक सरोवर के स्थान पर एक मस्जिद बनवा दी थी। औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिद आज भी मंदिर को लग कर खड़ी है। सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने से इसे मढ़वाया गया। कहते हैं सोने के छत को देखकर जो भी कामना करो वो पूर्ण जरूर होती है। बाबा के दर्शन के बाद हम सभी को भूख तो लगी ही होगी। बनारस आए और यहाँ का नाश्ता नहीं किया तो बनारस की यात्रा अधूरी रह जाएगी। जिसके नाम में ही रस, वह है बनारस। बनारस के कचौड़ी गली में जाकर बनारस की फेमस कचौड़ी के साथ सब्जी और जलेबी का स्वाद तो कई महीनों तक आपको याद रहेगा। बनारस की लस्सी और बाद में खाई के पान बनारस वाला, वाह भाई वाह, मजा आ गया। हर हर महादेव। शाम के 5 बजने को है। हम अभी फिर से दशाश्वमेध घाट की ओर रुख करते हैं। बनारस की विश्व प्रसिद्ध आरती देखने लोग 5 बजे से ही यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। देर से आने पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। लोग पहले से डेरा जमाए बैठे हैं। कुछ लोग सामने से आरती का आनंद लेने के लिए नाव में बैठे दिखाई दे रहे हैं। सुबह और शाम रोजाना करीब 7 बजे यहाँ आरती की जाती है। ये जगह पर आरती होनी है। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। कुछ ही समय में आरती शुरू होने वाली है। अभी हम जो गंगा आरती का दृश्य देखेंगे वो शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। युवा पंडितों द्वारा वेद मंत्र का पठन करना आरंभ हो चुका है। सभी युवा पंडितों ने अपनी पोजीशन ले ली है। आरती समाप्त हो चुकी है। अपने अपने ठिकानों पर जाकर सो जाइए। सुबह सूरज निकलने से पहले आपको अस्सी घाट या कोई भी नजदीकी गंगा घाट पर पहुंचना है। कुछ ही क्षणों में सूरज निकलने वाला है। बनारस में प्रातकाल सूर्य की पहली किरण पवित्र गंगा को स्पर्श करती है। ज्ञान, अध्यात्म, कला और मोक्ष का उद्गम यही से होता है। जिसकी अनुभूति केवल वही कर सकता है जो बनारस की इस सुबह का साक्षी बने। सूर्य की लाल किरणें नीले आसमान में दिखने लगी है। जिस चीज के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था, अब उसे प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। यह किसी दिव्य यहसास से कम नहीं है। सूर्य की किरणों में नौका विहार करते खुश नसीब लोग दिख रहे हैं। इसे कहते हैं सुबह ए बनारस। गंगा घाट पर आए और स्नान न करे ऐसा तो हो नहीं सकता। सोचो मत। जय बाबा भोले की। हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सूर्योदय के साथ ही बनारस शहर का भी उदय होता दिख रहा है। पंछी अपने घोंसले से निकलकर उड़ने लगे हैं। जो घाट कुछ पल पहले बिल्कुल शांत थे, जहां सिर्फ गंगा की लहरों का घाट से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, वहां अचानक से सब कुछ बदल गया है। साधु संत महिलाएं बच्चे सब एक साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। महिलाएं गंगा पूजन में व्यस्त है। नाव वाले निकल पड़े हैं। इसे कहते हैं सुबह ए बनारस। अभी हम अस्सी घाट जाएंगे। यह अस्सी घाट है। बनारस का सबसे प्रसिद्ध और पहला घाट अस्सी घाट है, जहाँ से गंगा बनारस में प्रवेश करती है। इस जगह पर सुबह और शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। सुबह ए बनारस के मंच का निर्माण किया गया है। सुबह के आरती के बाद इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। योग साधना का भी आयोजन किया जाता है।
यह वही अस्सी घाट है जहां पर मशहूर कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की थी। अस्सी घाट से आप नाव में बैठकर बनारस के सभी घाटों का दर्शन कर सकते हैं। बनारस में कुल 84 घाट है। नाव वाले 100 रुपए से लेकर 2000 तक किराया लेते हैं। आप कितने दूर तक नौका विहार करना चाहते हैं उसके अनुसार आपको नाव वाले चार्ज करते हैं। बनारसीपन को जानना है, काशी को समझना है तो घाट से बेहतर कोई पाठशाला नहीं। बनारस में एक और महत्वपूर्ण घाट है, मणिकर्णिका घाट। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहां लाशों का आने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। 24 घंटों चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं, इसलिए इसे महाशमशान भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। माना जाता है इस घाट पर स्वयं भगवान शंकर मरने वाले के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे चित्ता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट की तरह हरिचंद्र घाट पर भी अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ के मंदिर, यहाँ के घाट, यहाँ की तंगली, यहाँ की कला और संस्कृति, यहाँ का खान पान लोगों को दुनिया के कोने कोने से खींचकर यहाँ ले आते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप भी जल्द काशी जाने की योजना बनाएंगे। जय बाबा विश्वनाथ बम भोले। काशी के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। जो बातें मैं इस वीडियो में बता नहीं सका वह मैंने मेरे वेबसाइट पर डाल रखी है, वेबसाइट पर जाकर अवश्य देखें। दोस्तों, यह हमारी बनारस यात्रा की समाप्ति होती है। आगे और मिलेंगे नए यादगार सफर में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना न भूलें।